जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर स्पार, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों सामने खड़ी है टाटा पंच ईवी, ठीक है। आज बात करने वाले हैं बेस वेरिएंट, सामने खड़ा है बेस वेरिएंट के अंदर क्या कुछ मिलता है, पंच आपको क्या ऑफर करती है ईवी के बेस वेरिएंट के अंदर। स्मार्ट के नाम से बेस वेरिएंट आता है, तो आज सब कुछ देखने वाले हैं इसी वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो बिना देरी किए अब वीडियो करते हैं शुरू। तो फाइनली दोस्तों सामने है टाटा पंच ईवी। देखो सबसे बेस वेरिएंट है, स्मार्ट के नाम से आता है, क्या कुछ मिलता है सारी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले डिस्काउंट सुन लो भाई। देखो टाटा भी इस वक्त डिस्काउंट दे रही है इस गाड़ी के ऊपर, पूरे 10,000 रुपये का डिस्काउंट आपको मिलेगा ईवी के पंच के किसी भी वेरियंट पर चले जाओ या टियागो के किसी भी वेरियंट पर चले जाओ, सभी के ऊपर आपको फ्लैट एक्स शोरूम के ऊपर 10,000 का डिस्काउंट मिल जाता है। और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा डिस्काउंट है भाई, यूपी गवर्नमेंट दे रही है फेम 3 के अंडर जो सब्सिडी मिलती थी उसमें पूरा का पूरा जितना भी आरटीओ रजिस्ट्रेशन जो भी जाता था सब कुछ जीरो कर दिया है, निल कर दिया है। तो वहां भी एक बहुत बड़ा डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो देखो ये तो हो गई डिस्काउंट की बात, अब बात करेंगे देखो इसके एक्सोरूम प्राइसिंग वगैरह की। तो एक्सोरूम प्राइसिंग की अगर बात करूँ 10,99,000 रुपये एक्सोरूम प्राइस है। अगर इसमें बैटरी वगैरह की बात करें तो देखो भाई 25 किलोवाट का इसमें बैटरी पैक मिलता है और मोटर मिलती है आपको इसमें 60 किलोवाट की। यह 80 BHP की पावर, 114 Nm का टॉर्क मिलता है। और अब इस बैटरी और इस मोटर से जो आपको रेंज मिलती है वो मिलती है भाई 315 किलोमीटर की, जैसे कि टाटा टियागो के अंदर मिलती है मीडियम रेंज के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें चार्जिंग टाइम की और बात कर लेते हैं, यहाँ पर लगे हाथ देखो 0 to 100% अगर 7.2 किलोवाट के चार्जर से चार्ज करोगे तो 3.5 घंटे 6 मिनट के आसपास आपको लगने वाले हैं। और अगर आप 50 किलोवाट के फास्ट चार्जर से चार्ज करोगे तो 10 से 80% दोस्तों 56 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगी। और दोस्तों एक चीज़ और, घर में अगर चार्ज कर रहे हो ना, रात को लगा रहे हो और सुबह निकाल रहे हो, तो 15 एम्पियर के प्लग से जो दोस्तों 10 से 15% पूरे 9 से 10 घंटे के अंदर चार्ज होगी। तो ये थे दोस्तों इसके चार्जिंग स्पेसिफिकेशंस वगैरह, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रंट से क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले फ्रंट में आपको देखो इंडिकेटर तो ब्लिंक होते हुए दिख रहे होंगे, और इसी यूनिट के अंदर जो है आपको DRS भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले इसकी चाबी देख लेते हैं। तो चाबी देखो भाई इस तरीके की मिलेगी, ठीक है, टाटा की जो नॉर्मल की आती है कुछ इस तरीके से मिल जाएगी, पीछे टाटा का लोगो, यहाँ पर गाड़ी को लॉक अनलॉक और फॉलो मी हेडलैम्प के बटन मिल जाएंगे, इस तरीके से आप हेडलैम्प देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है कुछ इस तरीके से LED बेस्ड हेडलैम्प मिलते हैं। उसके बाद एक चाबी तो दोस्तों रिमोट की मिलती है और दूसरी चाबी आपको नॉर्मल की मिलती है इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों दोनों चाबियां। सबसे पहले आप सामने फ्रंट से देख लो, तो देखो भाई इंडिकेटर तो ब्लिंक होते हुए दिख रहे हैं और इसी यूनिट के अंदर आपको जो है DRS देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद देखो नीचे की तरफ आ जाए तो हेडलैम्प की बात हो रही थी, तो यहाँ पर LED बेस्ड हेडलैम्प मिलते हैं, जला के देख लो एक बार भाई इस तरीके के जलेंगे। फोकस आप देख लिया, ये कर दिया मैंने बंद। नीचे की तरफ देखें तो देखो एक्टिव एयर वेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, सामने की ग्रिल जो है वो बंद मिलती है। उसके बाद देखो चार्जिंग की बात करूँ तो चार्जिंग आपको यहाँ से मिलती है, ठीक है। अब इसे ओपन कहाँ से करना है तो वो मैं दिखा देता हूँ आपको, पहले ओपन करता हूँ उसके बाद देखना। इसे ओपन अंदर से किया जाता है, तो चलते हैं इस तरफ और आ जाते हैं यहाँ पर। देखो दोस्तों यहाँ पर ये देख सकता है, ये तो गन को इजेक्ट करने के लिए और ये चार्जिंग पोर्ट ओपन करने के लिए। जैसे ही मैंने पुश किया तो यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट ओपन हो गया कुछ इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर नॉर्मल चार्जिंग मिल जाती है और यहाँ पर DC फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। दोनों चार्जिंग ऑप्शन आपको यहीं पे फ्रंट में मिल जाते हैं। और एक चीज़ और, ये जो कैप है, मान लो गाड़ी 100% डिस्चार्ज हो गई तो कैसे खोलना है इसे चार्ज करने के लिए, वो मैं आपको बता दूंगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। तो वीडियो के अंदर ही आपको पता चलेगा, तो इसलिए वीडियो के ऊपर जुड़े रहिए। और इसे मैं कर देता हूँ यहाँ पर बंद, इस तरीके से, ठीक है। और इसे बंद जब करना है, इसे हल्का सा इस तरीके से पुश करना है और इसे हल्का सा प्रेस करना है, ऐसे, ये हो गया बंद, ठीक है। उसके बाद देखो इस तरफ आ जाते हैं, तो सबसे पहले आप व्हील साइज की बात करेंगे। व्हील आर्चेस तो आपने देख रखे हैं किस तरीके के आते हैं, व्हील साइज देख लो भाई। तो देखो यहाँ पर अगर व्हील साइज की बात करें तो आपको मिलता है 185/70 की प्रोफाइल के साथ 15 इंच का स्टील मिल जाता है। ये जो फ्लैप है ये यहाँ पर आपको जो है ब्लैक कलर में मिलेगा, मतलब व्हील कवर जो है या व्हील कैप जो है वो ब्लैक कलर में मिलता है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, पीछे की तरफ चल के देखेंगे वहाँ आपको ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिलेंगे। इस तरफ देखें तो DOT EV की जो ब्रांडिंग है वो फ्रंट डोर पर भी मिल जाती है। उसके बाद ऊपर देखो बेस वेरियंट के अंदर
मैट ब्लैक फिनिश में ORVM मिलते हैं, उसी के ऊपर टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। उसके बाद देखो डोर हैंडल्स भी आपको यहाँ मैट ब्लैक फिनिश में मिलते हैं। पीछे की तरफ आ जाएं तो पीछे की तरफ कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था। तो इसके अंदर जो है आपको ड्रम ब्रेक देखने के मिलते हैं पीछे की तरफ। पीछे की टेल लाइट देख लो भाई, एज इट इज जैसी टेल लाइट वगैरह आती है पंच के अंदर सेम मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिल जाता है और दो रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं पीछे की तरफ। यहाँ पर पंच डॉट EV की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पर टाटा का लोगो मिल जाता है। ऊपर देखो यहाँ पर न डिफॉगर मिलता है न रियर वाइपर मिलता है। यहाँ हाई माउंट स्टॉप लैंप जरूर मिल जाती है और ऊपर की तरफ जो है कोई भी एंटीना वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता है इस वेरियंट के अंदर। ठीक है, तो ये था दोस्तों इसका बाहर बाहर का ओवरव्यू। अब एक काम करता हूँ, इसका बूट अभी ओपन कर लेता हूँ और फिर दिखाता हूँ बूट के अंदर आपको कितना स्पेस देखने के लिए मिलेगा। तो चलते हैं और करते हैं बूट को ओपन। यहाँ से इसे पकड़ना है और ये इस तरीके से बूट ओपन हो गया भाई। देखो यहाँ पर अंदर की तरफ देख लो, 366 लीटर फॉरमोस्ट कैपेसिटी का बूट स्पेस मिल जाता है आपको। पार्सल ट्रे बेस वेरिएंट में नहीं मिलती है। सीट की बात करूँ तो भाई ये बेंच फोल्डिंग है। पीछे के दोनों हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल है और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर ठीक ठाक मिल जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको CCS टाइप 2 चार्जर मिलेगा। ये घर पे कुछ इस तरीके से इससे चार्ज करना है। ये चार्जर हो गया इसका। और नीचे अगर देखें तो स्पेयर व्हील भाई EV गाड़ी के अंदर नहीं मिलता है। तो नीचे का स्पेस आप देख लो, बैटरी वगैरह का प्लेसमेंट आपको पूरा फ्लैट दिखेगा सरफेस। ये इस तरीके से देख सकते हैं, कुछ भी नहीं लटका हुआ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर टेल गेट को देखें, प्रॉपर कवरिंग आपको टेल गेट के ऊपर मिल जाती है। इसे कर देता हूँ मैं बंद और अब एक काम करेंगे, इसका इंजन बे अभी खोल के देखते हैं कि उसके अंदर क्या मिलेगा बोनट के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो है अंदर की तरफ चलेंगे कि और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर और करते हैं इंजन बे को ओपन। एक सेकंड का पॉज लूंगा दोस्तों। हाँ जी, तो ये देखो इंजन बे इसका खुल चुका है। यहाँ पर देख लो, पहले तो इंसुलेशन सीट वगैरह प्रॉपर मिल जाएगी, वेट अच्छा है बोनट के अंदर। उसके बाद देखो यहाँ पर ये पूरा इसका इन्वर्टर सिस्टम और मोटर का सेटअप प्लेसमेंट सब देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरीके से माउंट किया गया है इसको। उसके बाद देखो यहाँ से वॉशर फिल करना है और इस तरफ देखें तो बैटरी का प्लेसमेंट मिल जाएगा। अब एक चीज़ कह रहा था मैं कि मान लीजिए गाड़ी जीरो हो जाती है बिल्कुल, उसके अंदर पावर बचती नहीं है, तो ये जो है चार्जिंग पोर्ट कैसे ओपन होगा। तो इसके लिए दोस्तों एक मैनुअल तरीका दिया गया है, उसे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इस तरफ आ जाता हूं और इस तरफ आने के बाद देखो इस वायर को दिखाता हूं। ये जो वायर दे रखा है ना, इसे आपको मैनुअली पुल करना है और जैसे ही पुल करेंगे तो देखिए अब अपना फोकस जो है ना चार्जिंग पोर्ट पर रखना, तो चार्जिंग पोर्ट आपको खुलता हुआ नजर आएगा। हल्का सा पुल करना है मुझे इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ये टाइट हो गया, शायद मेरे हिसाब से ये कभी खुला ही नहीं होगा इस तरीके से। तो जो है ना, तो टाइट हो गया थोड़ा सा। तो दोस्तों इस तरीके से ओपन होता था, मैंने आपको बताया था। ये थोड़ा सा जो काफ़ी देर से गाड़ी खड़ी है तो वायर जो है लूज़ हो गया है, उसकी वजह से बंद नहीं हो रहा है। तो इसे हम प्रॉपरली अभी देख लेंगे चेकिंग में कैसा है। उसके बाद देखो अंदर की तरफ चलते हैं, अंदर क्या क्या मिलेगा देखने के लिए वो और चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही डोर ओपन करते हैं तो सबसे पहले डोर ट्रिम देख लो आप भाई। देखो पहली बात तो सारा इंटीरियर अंदर की तरफ सीटिंग वगैरह सब कुछ ब्लैक कलर में मिलेगी, आप इस तरीके से देख सकते हो। और ऊपर की जो रूफ है वो आपको थोड़ा वाइट टच के साथ में मिल जाती है। यहाँ पर देखें तो फ्रंट में दोनों पावर विंडो मिल जाती हैं। उसके बाद डोर हैंडल्स पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेगा और यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेटअप मिल जाता है। देखो बॉटल होल्डर मिल जाता है, अम्ब्रेला होल्डर मिल जाता है। और देखो अगर इस वेरियंट की बात करूँ तो पर्टिकुलर इस वेरियंट के अंदर कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है, तो यहाँ पर आपको कोई भी स्पीकर भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। अंदर की तरफ देख लो भाई, सीटिंग कुछ इस तरीके की मिलेगी। पहली बात दोनों ही सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आपको रिक्लाइन एंगल आपको यहाँ से एडजस्ट करना है और बेस वेरियंट में हाइट एडजस्टेबल मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखो यहाँ देखें तो दोनों पैडल के साथ में आपको डेड पैडल का ऑप्शन मिल जाता है। और ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर रीजनरेशन के मोड आपको देखने के लिए यहाँ पर दोनों मिल जाएंगे। उसके बाद देखो इस इवेंट का डिजाइन इस तरीके से हो जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पर की होल दिख ही रहा होगा आपको, चाबी यहाँ लगानी है। अब अंदर बैठ के बात करेंगे और क्या कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आते हैं अंदर की तरफ। अब देखो एक काम करता हूँ, इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है इग्निशन ऑन करता हूँ तो दिखेगा कैसा मिलता है। ये देखिए भाई, देखो फुली डिजिटल सा ही मिल जाता है। इस पर देखो रेंज वगैरह सब कुछ आपको दिख जाएगी। ये देखिए जैसे कि ओडोमीटर यहाँ पे दिख रहा है, रेंज यहाँ दिख रही है, यहाँ पर आपको बैटरी परसेंटेज दिख रहा है, यहाँ स्पीडोमीटर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ आपको फैन स्पीड टेम्परेचर दिख रहा है, एसी का टेम्परेचर यहाँ दिख रहा है। उसके बाद देखो बैटरी के मोड यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पर ड्राइव और रीजनरेशन के मोड दिखाई देते हैं। तो कुछ इस तरीके का ये सेटअप आपको मिलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर।
ऐसा आपको ये मिल जाता है। स्टीयरिंग पे बात करें तो 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, कोई भी आपको इसके ऊपर कंट्रोल नहीं मिलता है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं मिलता है। और यहाँ पर स्टीयरिंग में देखें टिल्ट का ऑप्शन मिलता है लेकिन टेलीस्कोपिक का नहीं मिलता है। लेकिन इस तरफ आ जाएं तो एसी वेंट आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर देखें तो ये है भाई मिड में टच पैनल इसका। यहाँ से देखो चार्जिंग पोर्ट जो है ओपन होता है, उसके बाद चार्जिंग गन को यहाँ से इजेक्ट किया जाता है। हिल डिसेंट कंट्रोल यहाँ पर है और यहाँ पर आपको जो है हेजार्ड बटन, यहाँ से आप बूट ओपन कर सकते हो। बूट आप जो है रिमोट की से भी ओपन कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन यहाँ मिल जाता है, एसी वेंट ये मिल जाता है इधर, और यहाँ पर फैन स्पीड कंट्रोल करनी है। ये दो बटन फिजिकल है, बाकी जो है वो सब आपको टच पैनल में मिलते हैं। और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक 12 वोल्ट का पोर्ट मिल जाता है इस जगह पर, ठीक है। उसके बाद एक स्पेस ये मिल जाता है, डिसेंट स्पेस है, मोबाइल वगैरह रखने के लिए अच्छी जगह है। उसके बाद यहाँ पर नॉब मिल जाती है रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, ड्राइव मोड और स्पोर्ट मोड के लिए, ठीक है। तो इसमें ड्राइव और स्पोर्ट मोड ही मिलते हैं, इसके अलावा तीसरा और कोई मोड नहीं मिलता है। यहाँ पर ये जो है ये पैनल सा लगा हुआ है ग्लॉस ब्लैक फिनिश में। यहाँ पर देखें तो एक स्पेस मिल जाता है, यहाँ मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। उसके बाद इस तरफ आ जाए तो यहाँ पर देखो ग्लोव बॉक्स कुछ इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद कूल्ड का ऑप्शन भी आपको इसके अंदर दिख ही रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखें डैशबोर्ड वगैरह के टोन इस तरीके से मिल जाएंगे। और देखो 6 एयरबैग गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, सेफ्टी का आप जानते ही हो टाटा पूरा ख्याल रखता है। उसके बाद देखो इस तरफ देखें तो यहाँ पर एक टिकट होल्डर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो सादा सिंपल IRBM मिलेगा। यहाँ पर बात कर रहे हैं लाइटिंग कुछ इस तरीके की मिलती है। यहाँ पर पैसेंजर एयरबैग ऑन है या ऑफ है उसके लिए इंडिकेशन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर ये सब खाली मिलता है क्योंकि टॉप एंड में यहाँ माइक वगैरह लगे आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सब खाली मिलता है। उसके बाद पैसेंजर साइड में जो सनसेट है वो भी आपको सादा सिंपल मिलता है। यहाँ पर भी देखो ग्रैब हैंडल वगैरह जो होते हैं ना वो यहाँ नहीं दिए, पीछे की तरफ दिए हैं दोस्तों। तो ये है दोस्तों इस तरीके से इसका फ्रंट कैबिन का सेटअप। अब एक काम करेंगे रियर सीट पर चलते हैं और रियर सीट पर चल के देखते हैं वहां आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो इग्निशन को मैं ऑफ कर देता हूं, अब चलते हैं पीछे वाली सीट पर, पीछे वाली सीट पर आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो आते हैं इस तरफ और करते हैं इसे ओपन। तो देखो पीछे वाली सीट को यहां से ओपन करना है। उसके बाद देखो डोर पे देखें तो सेम डोर ट्रिम्स आपको मिल जाती हैं। बस एक बहुत बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर आपको चक्का देखने के लिए मिलता है। उसके बाद देखो इस तरफ देखें तो बॉटल होल्डर वगैरह मिल जाते हैं और यहाँ पर ये डोर हैंडल्स कुछ इस तरीके से मिलते हैं, ठीक है। और अंदर की तरफ देखें तो देखो दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। पीछे की तरफ ना तो एसी वेंट मिलेगा और ना ही कुछ और फैसिलिटी मिलती है, सादा सिंपल सीट मिलती है। और सीट की फैब्रिक की बात करूं तो भाई ब्लैक कलर का फैब्रिक आपको देखने के लिए मिल जाता है इस तरीके से। ऊपर की तरफ जरूर एक ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये है इस तरीके से ऊपर का सेटअप। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ बाहर। देखो जो भी चीज़ थी ना वो सिर्फ इसमें आगे दिखाने के लिए थी, अंदर की तरफ इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, फीचर भी नहीं है ज़्यादा कुछ। बेस वेरिएंट है तो इसे बेसिक रखा गया है, बाकी सब कुछ मैंने आपको बता दिया इसकी बैटरी बारे में, चार्जिंग के बारे में। अब बात करेंगे इसकी गारंटी वारंटी के बारे में। देखो अगर गाड़ी पर गारंटी वारंटी की बात की जाए तो 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की गारंटी आपको जो है गाड़ी पर मिलेगी। और अगर बैटरी पर वारंटी की बात करें तो 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर जो भी पहले होगा वो वारंटी आपको जो है गाड़ी के ऊपर देखने के लिए मिलेगी। तो ये तो हो गई दोस्तों गारंटी वारंटी। डिस्काउंट मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। 10,000 का फ्लैट डिस्काउंट तो आपको टाटा की तरफ से मिलेगा। और यूपी में अगर आप हैं तो आपके लिए ये फायदा है कि आपको जो है गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन पर 0 कर दिया है, निल कर दिया है, कोई भी चार्ज नहीं लेने वाली है। तो एक बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है, ठीक है। तो अब आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।